पर सरकार आई है, लोगों का पेंशन बंद कर दी है क्या? 3 रुपए नमक का रेट है और 4 रुपए उस पैकेट का रेट है जिसपे मोदी जी का मुस्कुराता चेहरा छपा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा, हम लोगों की खेती बंधा बनाकर सरकार ने ले लिया, रोड बेरोजगारी और शिक्षा और जो कि बीजेपी में नहीं, और गांव विरोध है, लोग तो गाली दे रहे हैं कि अब पता ही लायक नहीं है। यह तो प्रमुख समस्या क्या है हमारे गांव की? प्रमुख समस्या है बाढ़ग्रस्त एरिया अगल बगल है, बेवजह का हम लोगों की खेती बंधा बनाकर सरकार ने ले लिया, रोड कहीं सही नहीं है, हर गांव के जिधर चलिए उधर सब रोड गड़बड़ है, कहीं से कोई यहाँ विकास नहीं हुआ। और हमारे गाँव में यहाँ सांसद है, विधायक है, दोनों लोग हैं, कहीं कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अपने वोट का आपका आधार क्या रहेगा, किस आधार पर मतदान करने जा रहे हैं? हम लोग यहाँ अनुसूचित सबसे अधिक वोट है, यहाँ पर 52,000 1,55,000 अनुसूचित है, उसमें से हम लोग 60,000 लमसम मिलेगा और 10-12 और मिल जाएगा। युवा किस बात पर आकर्षित है, मान लीजिए आपको किस आधार पर वोट डालने जा रहे हैं? विकास देख रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं तो देख रहे हैं? धार्मिक भावना नहीं देख रहे हैं, बेरोजगारी और शिक्षा और जो कि बीजेपी में नहीं है, बेरोजगारी शिक्षा से आप लोग दुखित हैं जी। आजादी का नारा चल रहा है, लड़ती हूँ मैं, लड़ सकती हूँ, कहाँ तक इसमें आप सहमत हैं? कहीं नहीं लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी भी विरासत में पाई है राजनीति, वो कहाँ लड़ेंगी? लड़ने के लिए बहन मायावती जी एक दलित महिला की घर से पैदा हुई हैं और वो लड़ रही हैं, गांव में जा रही हैं। दिया जब मुख्यमंत्री थी तो हर मोहल्ले में जा रही थी, हर गांव में जा रही थी, अधिकारी उनसे कांपते थे, तो वो दलित की महिला है कि वो लड़ेंगी, ये क्या लड़ेंगी? ये अभी आज तक कहीं किसी चौराहे पर किसी सभा में नहीं आई, तो क्या ये लड़ेंगी? जा रहे हैं, ये जनता समझ चुकी है, बीत चुके हैं, वर्तमान विधायक के कार्यों से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? खुश नहीं है, वर्तमान विधायक को विरासत में उनको शासन मिला है, सामान्य बाहुल्य क्षेत्र है, आते हैं लोग झूठ भौरे बोलकर, मोदी योगी की तरह झूठ बोलते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, जितना सपा और बसपा में काम हुआ है उसी का शिलान्यास कर दिए हैं और उसी पर वोट मांग रहे हैं। एक भी कहीं गड्ढा मुक्त नहीं है, जितनी सड़कें हैं उतनी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है पूरा, कहीं एक भी सड़क बता दीजिए देहात में जो हमारे विधायक महोदय बनवाए हो, कहीं नहीं। बांस गांव की सड़क भी बसपा ने बनवाया है, गोला की सड़क बसपा ने बनवाया है, नौसर से लेकर और गोला तक सिकरीगंज होते हुए सड़क बसपा ने बनवाया है, आज भी गाड़ियां फर्राटा मार रही हैं। धर्मेंद्र राय, ये तो जो आगामी विधानसभा का चुनाव हो रहा है वो धार्मिक आधार के चुनाव है, समाप्त हो गया क्योंकि धार्मिक आधार केवल चुनाव ही में आता है और चुनाव में चला जाता है, तो अब वो कोई मुद्दा नहीं है। ये बताइए जो कर्नाटक में हिजाब बनाम भगवा का मामला चल रहा है, क्या यूपी में इसका असर पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वर्तमान आपके विधायक कौन थे? इसमें वर्तमान निर्वर्तमान विधायक? वर्तमान में विमलेश पासवान जी हैं। उनके कार्यों के बारे में आप क्या बताएंगे? उनके कार्यों में तो हर जगह जाए हर जगह उनका विरोध है, हर गाँव में विरोध है, लोग गाली दे रहे हैं कि अब पता ही लायक नहीं है, यह तो विधायक बन गए योगी और मोदी के नाम पर। ये जो छोटो नीति चल रहा था मुख्यमंत्री का, छोटो नीति जो पूरा चर्चा में था, क्या इसका जितने लोग मुख्यमंत्री महोदय के को डर था कि हमको प्रभावित करेंगे उन्हीं को ठोक रहे थे, गुंडा बदमाश को थोड़ा ठोक रहे थे, गुंडा तो एकदम खुलेआम घूम रहा है, यही मौर्या गगहा में मौर्या का हत्या हुआ था, उन्हीं की पार्टी का तो चुनाव लड़ता उसका हत्या हुआ, दीवानी कचहरी पर हत्या हुआ था, उनके जिले में मुख्यमंत्री को गुंडा बदमाश चुनौती दे रहे हैं, तो कहाँ शासन प्रशासन? कुछ नहीं, एक भी पैसा नहीं है, लूट उट खसोट सब पड़ा हुआ है, चल रहा है। गरीब लैट्रीन 14,000 बताइए 14,000 में कितना, 12,000 में कितना बनेगा? 2,000 वो कमीशन ले रहे हैं, चाहे प्रधान ले रहे हैं, चाहे वो ले रहे हैं, सेक्रेटरी ले रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर था, जो काम 100 रुपये में 200 रुपये में होता था या पुलिस विभाग जो है 5,000-10,000 में काम हो गया, भाजपा गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, एक भी नौकरी नहीं मिले, सारी नौकरियां पेपर लीक हो जा रहे हैं, सारे कोर्ट में चले जा रहे हैं, बसपा गवर्नमेंट में एक भी ऐसा नौकरी नहीं था जो स्वच्छ और शासन के हिसाब से नौकरी मिली है सारे लोगों को, चाहे शिक्षा हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे इतना बेरोजगारी नहीं थी, सारे लोग स्वतंत्र थे। घर घर शौचालय आवास योजना का लाभ मिल रहा है,
ऐसे में क्या पात्र जो व्यक्ति को आवास ही और आवास उन्हीं लोगों को मिला है जिसके पर पक्की मकान थी, उन्हीं लोगों को मिला है। गरीब को किसी को आवास नहीं मिला है। गरीबों को आवास किसी को आवास नहीं मिला। जिसके घर पक्की आवास पक्का मकान है उसके ऊपर छत लग गया उसको आवास मिला है भ्रष्टाचार के नाम पर। सेक्रेटरी एडीओ पंचायत और बीडीओ सारे लोग पैसा लेते थे और आवास देते थे। ये बताइए जो फ्री राशन मिल रहा है क्या कोरोना के काल में इसका क्या वोटरों पे क्या प्रभाव रहेगा? कुछ नहीं प्रभाव है। कोरोना बेवजह भाजपा का या सोची सामझी राजनीति थी, इसलिए कोरोना कोरोना करके और बेरोजगारी सब मतलब रोजगार खत्म किए हैं, कोरोना के नाम में भ्रष्टाचार हुआ है। फ्री जिनको राशन मिल रहा है उनका फ्री राशन का कोई मतलब नहीं है। महंगाई इतनी चरम पर है, फ्री राशन देकर क्या करेंगे? क्या उससे वोट डाइवर्ट होंगे? एक भी पैसे का नहीं डाइवर्ट होगा। महंगाई इतना चरम पर है, 100 रुपए किलो तेल मिलता था, 50 रुपए मिलता, 200 है सिलेंडर, 400 मिलता था, 1000 हो गया है। वही देहात में मतलब हम लोगों का पैसा लेकर वही फ्री राशन दे रहे हैं, अपने पास से थोड़ा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार बनाने के बाद हम पेंशन देंगे लोगों को, क्या उससे चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या इसके पहले समाजवादी पार्टी थी तो पेंशन नहीं आता था? भाजपा सरकार आई है, लोगों का पेंशन बंद कर दी है। क्या समाजवादी पार्टी पेंशन के लिए सिर्फ आएगी, रोजगार के लिए नहीं आ सकती है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए नहीं आ सकती है? तो अपना रोजगार और शिक्षा का भी तो दावा है। शिक्षा और स्वास्थ्य का उनके समय में कितने उनके कार्यकाल में क्या स्थिति रही होगी ये देश भी जानता है, उत्तर प्रदेश उससे बेहतर भी जानता है। किस तरीके दलितों के ऊपर अत्याचार होता रहा है उनकी सरकार में, गांव-गांव में कैसे लोग पीड़ित हुआ करते थे, कौन सा ऐसा आज उनकी जब सरकार रही है सपा का तो गोरखपुर में कौन सा उन्होंने कॉलेज बनवा दिया, कौन सा ऐसा काम कर दिया कि जो शिक्षा और रोजगार की वो बात कर रहे हैं? आखिर गोरखपुर भी तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ये बताइए जो गरीबों को आवास मिला, शौचालय मिला, पेंशन मिला, श्रम के अंतर्गत 1000 रुपया भी मिला, क्या उससे वोट बीजेपी को जाएंगे? अब आप खुद ही सोचिए, चुनाव आया है तो श्रम के अंतर्गत लोगों को पैसा मिलना चालू हुआ है, 5 किलो अनाज मिलना चालू हुआ है। जिस नमक का पैकेट है, 3 रुपए नमक का रेट है और 4 रुपए उस पैकेट का रेट है जिसपे मोदी जी का मुस्कुराता चेहरा छपा हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए, 3 रुपए के नमक में 4 रुपए का पैकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो देश क्या विकास करेगा? चाहे आवास की योजना हो, चाहे बाथरूम की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, ये तो कांग्रेस के जमाने से चलती हुई चली आ रही है। जैसे 100 नंबर को इन्होंने 112 नंबर कर दिया, उसी तरह इस योजना को नाम बदल करके इन्होंने दूसरा नाम कर दिया। और इन्होंने क्या दूसरा किया, फिर दूसरे के नाम पे फीता काटे हैं। तो राम मंदिर का मुद्दा है देश में, क्या उसको बीजेपी भजा पाएगी, उसको वोट मिलेंगे बीजेपी को? 20 सालों से तो बीजेपी राम मंदिर के नाम पे लोगों को भजा रही है, हिजाब के नाम पे भजा रही है, लेकिन आने वाले समय में सब लोग अब जान गए हैं कि सिर्फ मंदिर से रोटी नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, भूखमरी आ सकती है। देश की ये स्थिति आ गई है कि कोरोना के टाइम में लोगों के पास अनाज नहीं है खाने का और उन्हें मंदिर बनाने का काम चल रहा है, मस्जिद बनाने का काम चल रहा है, जो कि देश के युवाओं का ऐसा समय आ गया पकौड़ी तलना पड़ रहा है। बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद लोग जूता पॉलिश करें, ये देश की स्थिति है। तो पहले स्थिति देश की इस गर्त में ले जा रहे हैं और मंदिर क्या बनने से क्या लाभ हो पाएगा? कोई लाभ नहीं है। और ये खाली बीजेपी बस लोगों को बरगला रही है हर तरीके से, किसी तरीके से कि लोग मंदिर के तरफ जाएं, मस्जिद के तरफ आपसी लड़ाई लड़े, ये बस बीजेपी चाहती है, जो कि वो राजनीति के लिए सबसे गंदा मुद्दा माना जाता है। क्या नाम है आपका? ऋषि कपूर जी। ये बताइए जो यूक्रेन में और रूस में युद्ध चल रहा है, ऐसे में पीएम मोदी कह रहे हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत नेता होना आवश्यक है, ऐसे में चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, आप खुद ही सोचिए, यूक्रेन में जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, अभी लखनऊ में एक परिवार का वीडियो वायरल हुआ है, इसके परिवार के लोग रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा बच्चा कैसे आएगा। और ये जो सरकार है, जो एयरलाइंस बिक चुकी हैं, उसका 3 गुना पैसा ले रहे हैं, मतलब जो ये आपदा आया हुआ है इसमें भी अवसर, जो गुजरात के लोग आए हैं, चाहे नीरव मोदी हुए चाहे जो भी हुआ, वो देश को लूटा है, तो नरेंद्र मोदी भी है, ये आपदा वाले अवसर में भी लोगों को लूट रहे हैं। तो आप खुद ही बताइए कि क्या कैसा राजनीति होगा देश का, गर्त में ही तो जाएगा।